सर छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मगर हम भी पढ़े लिखे हैं और सबका साथ की जरूरत है आज की तारीख में। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी करता जब मुझे पता लगता कि कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है देश में। सबसे पहला काम सर, मैं अपने आईटी सेल को ध्वस्त कर देता इमीडिएट इफेक्ट से। दूसरा, जितने भी गोदी मीडिया बैठी है अपनी गोद में, उनको हिदायत दे देता इस वायरस को किसी भी धर्म से जोड़ने की कोशिश भी मत करना, सोचना ही मत। अगर तुमने सोच लिया या कोशिश भी करी तो तुम्हारे घुटने तोड़ दिए जाएंगे। तीसरा, जितने भी अल्पसंख्यक हैं मैं उन लोगों को अपनी तरफ ले लेता पूरा कॉन्फिडेंस में, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, मेरा जो पुलिस महकमा है मैं उनको बोलता बड़ी ही ईजीली अभी आराम से देश के सामने पेश आए, कोई सख्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं। और सबको पूरे देश में बोलता कि सब लोग अपना टेस्ट करवाएं, और स्पेशली मैं अपने सपोर्टर्स को बोलता कि अपना टेस्ट कराओ और साबित करो तुम मेरे सपोर्टर हो। ठीक है ना सर, ये कुछ काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और आज की तारीख में सर आप सोचिए कि अगर आप किसी रैली में जाते हैं 6 महीने बाद और वहाँ पे कोई आपका ही मंत्री संक्रमित होता है तो आपको भी कोरोना वायरस लग सकता है। कोरोना वायरस आएगा अपने समय पर और जाएगा भी अपने समय में। और जितने लोगों ने आज की तारीख में पथराव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको मैं समझाता कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट कोई वारंट लेके नहीं आ रहा, तुम अरेस्ट नहीं हुए तो शूट आउट मत करो। क्योंकि इस लोग सर अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, डर के टाइम में पथराव होता है, जैसे कश्मीर में होता है ना सर, डर के टाइम में डर के माहौल में पथराव करते हैं वहाँ के युवा, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। और इसको हिंदू मुसलमान में जिसने भी जोड़ा उसकी दुकान बंद करवा देता मैं सर 101%। सर ये देश में कोरोना वायरस को आप एक ही तरीके से हरा सकते हैं, वो है डिसिप्लिन से, दूसरा कुछ भी नहीं। और मुझे ये भी पता होता सर कि मेरे देश की स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमरा गई है, मुझे ये भी होता, तो इसका मतलब ये है कि सबका साथ की ज़रूरत है। बिना सबके साथ के तो अपना देश की स्वास्थ्य सेवाएं हैंडल ही नहीं कर सकती। तो ये सब करता और अपने मुख्यमंत्रियों से सबसे बात करता, उस बात को मैं पब्लिक डोमेन में डालता और हर रोज शाम को मैं एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और सारे पत्रकारों के सामने बैठ के उनके जो भी सवाल है उनका जवाब देता आराम से। सर इसलिए बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास फिर होता है सबका कल्याण। बहुत बहुत शुक्रिया सर।